स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। पहले जाने सुने आज की गपशप। नई लोकसभा और केंद्र में नई सरकार बने 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, पर अभी तक विभागों से संबंधित संसदीय समितियों का गठन नहीं हुआ है। स्थायी समितियों के लिए सभी पार्टियों से सांसदों के नाम मंगा लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि सरकार जल्दी ही विभागों की संसदीय समितियों का गठन कर देगी। भाजपा की 2 सहयोगी पार्टियों जनता दल यू और शिवसेना को लोकसभा से जुड़ी एक एक समिति की अध्यक्षता मिल सकती है। कांग्रेस की अध्यक्षता वाली समितियों की संख्या इस बार घट सकती है। संसदीय परंपरा के मुताबिक संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मुख्य विपक्षी पार्टी का होता है, सो लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को यह जिम्मेदारी मिल गई। पिछली बार वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के वीरप्पा मोइली और विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर थे। इस बार वीरप्पा मोइली चुनाव हारे हुए और माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास लोकसभा में कोई वरिष्ठ सांसद ऐसा नहीं है जिसको वित्त जैसे अहम मंत्रालय की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। शशि थरूर जरूर लोकसभा का चुनाव तीसरी बार जीते हैं, पर उन्हें इस बार विदेश की स्थायी समिति का जिम्मा नहीं मिलना। इन दोनों समितियों का अध्यक्ष भाजपा सांसदों को बनाया जा रहा। गृह मंत्रालय की समिति राज्यसभा से जुड़ी है और इसकी अध्यक्षता कांग्रेस को मिल सकती है। पी चिदम्बरम की जगह आनंद शर्मा इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी दुविधा आ गई। उनकी सरकार को कन्हैया पर देशद्रोह का मामला चलाने या नहीं चलाने के मामले में फैसला करना है। इस मामले में राज्य सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि वह कन्हैया के देशद्रोही या देशभक्त होने पर कोई राय नहीं रखती, यानी देशद्रोही भी नहीं मानती है और देशभक्त होने का सर्टिफिकेट भी नहीं दे रही है। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। भाजपा के नेता रोज केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि वे कन्हैया कुमार के बारे में अपनी राय स्पष्ट करें। मुश्किल यह है कि सोशल मीडिया में भाजपा के समर्थकों ने कन्हैया कुमार को जेएनयू के कथित टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना घोषित किया हुआ है और उनके देशद्रोही होने का प्रचार किया हुआ है। ऐसे में केजरीवाल खुलकर उनका समर्थन करते हैं तो उनको भी टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता बता दिया जाएगा और चुनाव से ऐन पहले उनको देश विरोधी बताने का प्रचार होगा। दुविधा यह है कि अगर उनकी सरकार कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे देती है तो केजरीवाल की अपनी प्रगतिशीलता पर सवाल खड़ा होता और युवाओं का एक बड़ा वर्ग उनसे नाराज होता। कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठाने के लिए बैठी है। ऐसा लग रहा है कि सरकार नागरिकता बिल पास कराने की तैयारी में। अगर सब कुछ योजना के हिसाब से हुआ तो संभव है कि संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता कानून पास हो जाए। असल में केंद्र सरकार पिछले सत्र में इसे पास कराना चाहती थी। जब बजट सत्र की अवधि 10 दिन बढ़ाई गई तो सरकार की ओर से ऐसे संकेत दिए गए थे कि नागरिकता बिल लाया जा सकता है। बहरहाल उससे पहले भी केंद्र सरकार ने नागरिकता बिल पास कराने का प्रयास किया था, पर अपनी सहयोगी असम गण परिषद के विरोध को देखते हुए पार्टी ने इसे स्थगित कर दिया। पर पूर्वोत्तर के राज्यों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सरकार नागरिकता कानून लाएगी। इसी की कड़ी में भाजपा ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC को लेकर आंदोलन छेड़ा। भाजपा के नेताओं ने हिंदुओं के नाम NRC में नहीं होने का मुद्दा बनाया। भाजपा यह नैरेटिव बना रही है कि हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिलेगी और मुस्लिम प्रवासी बाहर निकाले जाएंगे। अमित शाह ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ असम से नहीं बल्कि पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। वे पहले कह चुके हैं कि हिंदू, सिख, बौद्ध को छोड़कर सारे घुसपैठिये निकाले जाएंगे। नागरिकता कानून लाकर सरकार दुनिया के किसी भी हिस्से से आए हिंदुओं को नागरिकता देगी। कुछ दिन से इस पर फोकस भी बनाया गया है। यूट्यूब पर नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वहां जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।